लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बीते 14 मई को लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में चुनाव संपन्न हुए थे। इसके बाद 17 मई को मतों की गणना शुरू हुई। देर रात तक मतगणना जारी रही। इस बार कई प्रत्याशियों ने मतदाताओं को हैरान करते हुए जीत हासिल कर ली है। दोनों ही प्रखंडों को मिलाकर कुल 171 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है। जिला परिषद सदस्य के 2 सीट, मुखिया पद के 14 सीट, पंचायत समिति सदस्य पद के 14 सीट और वार्ड सदस्य पद के विभिन्न सीटों के लिए चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। जिला परिषद किस्को पद पर संदीप कुमार ने भारी मतों से जीत हासिल की है, जबकि पेशरार प्रखंड से पिछले 2 बार से जिला परिषद सदस्य रहे विनोद सिंह खेरवाड़ ने इस बार अपनी पत्नी रूबी कुमारी को चुनाव में जीत दिला दी है। चुनाव जीतने का श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने पति का, जो 10 वर्षों से रहे और उनका मेहनत जो जतनों से लगा हुआ, उन्हीं के बदौलत हम चुनाव जीत के यहाँ पर। कार्यों को कैसे निपटाएंगे आप? कार्यों को वह जनता तक पहुँचा के उनका लाभ दिलवा के उन्हीं के आधार पर कार्यों को निपटाएंगे। पूरे किस्को प्रखंड का नागरिकों का है और इस जीत के लिए उन सारे नागरिकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस स्थिति में भी मेरे को साथ दिया। गांव-गांव में भी और कस्बों में भी हम जहां भी गए वहां पे लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला और उन्होंने वो लोग बोले मेरे को कि नहीं चलिए आप आए और आप समाज की सेवा कीजिए, प्रखंड की सेवा कीजिए। और मैं वचन देता हूँ कि आने वाले समय में मैं वो हर संभव प्रयास करूँगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।